हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। फॉर्म 26AS में कुछ चेंजेस कर दिया गया है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2023-24। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग वीडियो की जरूरत है इस टॉपिक के लिए बेसिकली, कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉग इन कर लेना है बेसिकली 26AS देखने के लिए। ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, मतलब टिक करना है यहाँ पे एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल स्टेटमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है जो कि 23-24 है। इसके बाद आपको व्यू एज HTML करना है, ठीक है, एंड व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आ रहा है कि फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2023-24 ऑनवर्ड्स जो एनुअल स्टेटमेंट है आपका, मतलब 26AS, ये सिर्फ आपको TDS और TCS रिलेटेड डेटा ही दिखाएगा। अदर डिटेल्स अगर आपको देखना है तो आपको AIS चेक करना पड़ेगा। AIS कैसे चेक करना है वो भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है, या फिर हम पहले ये देख लेते हैं कि 23-24 में क्या क्या डिटेल्स आपको दिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चेंजेस से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो पहला पार्ट है बेसिकली आपको यहाँ पे दिखेगा TDS वाले डिटेल्स, जिसने भी आपका TDS डिडक्ट किया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। इसके बाद फॉर्म 15 और 15G 15G 15H वाले डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। पार्ट थ्री में आपको क्या डिटेल्स दिखेंगे, तो दिखेंगे आपको बेसिकली सेक्शन 194B वाले डिटेल्स, सेक्शन 194R वाले डिटेल्स एंड सेक्शन 194S वाले डिटेल्स। अभी 194B में कौन से डिटेल्स आते हैं, तो आपने अगर बिलिंग किया हुआ है तो उससे रिलेटेड TDS कटा रहता है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। 194R बेसिकली रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि परक्विजिट से रिलेटेड है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड 194S जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है TDS ऑन क्रिप्टो करेंसीज, मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड, तो वो डिटेल्स आपको अब यहाँ दिखने वाले हैं। पार्ट फोर में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेक्शन दिखने वाला 194IA, IB, 194M एंड 194S, ये बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 194IA सेलर से रिलेटेड है, फिर लैंड ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है 194B, 194M जो है वो बेसिकली रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है, एंड 194S जो है जैसा कि मैंने आपको बताया वर्चुअल डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, कुछ TDS कटा है या फिर नहीं कटा है वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट फाइव में आपको दिखने वाला है TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आपका TCS कलेक्ट हुआ है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। पार्ट सिक्स में आपको दिखने वाला है कोई भी आपको रिफंड आया है तो वो रिफंड वाले डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं, ठीक है। फिर पार्ट सेवन में जो आपको दिखने वाला है वो बेसिकली ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे पार्ट फोर वाले डिटेल्स, वही डिटेल्स आपको यहाँ पे भी दिखने वाला है, 194IA, IB, M एंड S वाले डिटेल्स, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। फिर लास्ट आपको दिखेगा TDS एंड TCS का डिफॉल्ट जो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स है वो डिटेल्स आप बेसिकली आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो ये डिटेल्स अभी करंटली आपको दिखने वाले हैं 26AS में। अब मैं पुराना वाला 26AS ओपन कर लेता हूँ और आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से डिटेल्स दिख रहे थे उस टाइम पे अब नहीं दिखने वाले हैं। तो वापस हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएंगे, ई फाइल सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 26AS में आना है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं, सीधा स्क्रॉल ऊपर आ जाइए डायरेक्ट, और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चेंज कर लेना है 22-23 और यहाँ व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पार्ट ए में TDS वाले डिटेल्स हैं जो कि पहले अभी भी हैं, 15GH वाले डिटेल्स अभी भी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे IA, IB और 194M दिख रहा है, ठीक है, 194S नहीं है क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस किया गया है इसलिए वो नया ऐड किया गया है, ठीक है। अभी TCS वाले डिटेल्स अभी भी हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड, मतलब यहाँ पे हमारा एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स का डिटेल्स दिखता था, ये अब 26AS में नहीं दिखने वाला। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये वाले डिटेल्स अब आपको नहीं दिखने वाले हैं, रिफंड वाला डिटेल्स दिखने वाला है, SFT वाला इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिखने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया उसमें SFT के डिटेल्स नहीं थे, ठीक है। अभी ये डिटेल्स आपको दिखने वाले हैं F वाले, ठीक है। G वाले डिटेल्स भी आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। H वाले डिटेल्स जो हैं, 3B वाले डिटेल्स, मतलब जो टर्नओवर दिख रहा था वो वाले डिटेल्स भी आपको अब यहाँ पे नहीं दिखने वाले हैं। ये सारे डिटेल्स जो नहीं दिख रहे हैं वो सारे डिटेल्स आपको कहाँ पे दिखेंगे, AIS में दिखेंगे। वो कैसे देखना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे आइए, सर्विसेज में जाइए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद आपको AIS पे क्लिक करना है, ठीक है। AIS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल देख लेना 22-23 है या नहीं। इसके बाद आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS जो ये दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद आपको आपके पर्सनल डिटेल्स दिख जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है पार्ट बी में। पार्ट बी में आपको डिटेल्स दिख जाएंगे कि कितने कितना क्या क्या TDS कटा हुआ है, SFT की इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है।
इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस अगर आपने कुछ किया रहेगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिखने वाला है। इसके बाद डिमांड एंड रिफंड ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन में भी आपको यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन दिखने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने वाली हैं। 2026 ईयर्स में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं ऑलरेडी बता दिया है मैंने। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहेगा कि कौन सी चीज़ें नहीं दिख रही हैं या फिर मैंने नहीं बताया है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।